लास्ट में सिक्स है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपको फोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फोर। उसके बाद आके देखते हैं कि और किसी में आता है सिक्स क्या, तो फाइव में देखते हैं ट्वेंटी फाइव आता है, ट्वेंटी फाइव यानी फाइव फाइव आ रहा है, फिर सिक्स में देखते हैं थर्टी सिक्स आ रहा है, तो थर्टी सिक्स में फिर सिक्स आ रहा है, लास्ट डिजिट सिक्स आ रहा है तो यहाँ सिक्स लिखेंगे। उसके बाद और किसी में आता है देखते हैं हम लोग, सेवन में नहीं आता है, सेवन में फोर्टी नाइन आता है, एट में सिक्सटी फोर आता है, सिक्सटी फोर और नाइन में एट्टी नाइन आता है। उसके बाद देख रहे हैं कि टेन में वन हंड्रेड आता है, इसमें किसी में आ रहा है, ये क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं किसका नियरेस्ट है, तो ये नियरेस्ट आपका है, ये नियरेस्ट किसका है, ये नियरेस्ट आपका है तो वन का नहीं नियरेस्ट है, टू का नियरेस्ट नहीं है, थ्री का नियरेस्ट नहीं है, थ्री थ्री जन होता है, फोर फोर या सिक्सटीन हो जाता है, फोर का भी नहीं है, फाइव का ट्वेंटी फाइव होता है। अब देखना है ट्वेंटी फाइव पच्चीस 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 के नज़दीक है या फिर सिक्सटीन के नज़दीक है, इसका नज़दीक है तो क्या फर्स्ट में करेंगे कि फर्स्ट नज़दीक रहेगा या फिर नज़दीक छोटा रहे या बड़ा रहे, उसको नहीं देखना नहीं है, हमको ये देखना है कि उसे छोटा होना चाहिए स्क्वायर। ठीक नाइनटीन किससे क्या है, किससे छोटा है, यहाँ क्या लिखेंगे किसमें आता है तो फोर में, यहाँ फोर में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे नियरेस्ट किसका है, यहाँ भी लिखे थे ट्वेंटी फाइव और सिक्सटीन, इसका नियरेस्ट है या फिर इसका नियरेस्ट है नाइनटीन, देखते हैं। तो अगर इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो थ्री होगा, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं कुल तो सिक्स हो जाएगा, यानी कि नियरेस्ट ये है, यानी कि नियरेस्ट अगर ये छोटका नियरेस्ट छोटका का है, नियरेस्ट छोटका का है तो इसमें आंसर छोटका होगा। अब देखिए ये बताया नहीं कैसे होगा, सर ये फोर यहाँ आया, फोर यहाँ लिखिए, यहाँ ही फोर लिख दीजिए। अब हमने बोला कि क्या कि नियरेस्ट छोटका का है, इसमें से छोटका कौन है उसका आंसर होगा, ये आंसर आपका फोर्टीन हो जाएगा, ये आंसर आंसर आपका 44 हो जाएगा। ये है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जी। आगे देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। एक और क्वेश्चन है आपका फाइव नंबर, फाइव नंबर आप लोग को दिए थे कि 3025। अभी जस्ट क्या बोले हैं कि पेयर लगाना है, तो पेयर आप लोग लगा लीजिए, पेयर पेयर लगा लीजिए। पेयर लगाने के बाद क्या बताए थे कि लास्ट में जो ये आएगा आपका लास्ट डिजिट स्क्वायर का वो लिखना है, इसमें दोनों में लास्ट डिजिट जो आएगा स्क्वायर में वो लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो फाइव किस में आता है, तो वन के टेबल में वन आता है, टू टेबल में फोर आता है, नाइन टेबल में थ्री टेबल में थ्री का स्क्वायर में नाइन आता है, फोर के टेबल में सिक्सटीन आता है, यानी किस में आता है फाइव, और किसी में नहीं आता है। यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे यहाँ, और यहाँ फाइव लिखेंगे, ठीक है फाइव। अभी किसके नज़दीक नियरेस्ट आ रहा है, तो अभी क्या बोले थे हम कि नियरेस्ट देखना है, तो कितना होता है सिक्सटी टू टू जब फोर होता है, थ्री जब नाइन होता है, फोर फोर जब सिक्सटीन होता है, और फाइव फाइव जब ट्वेंटी फाइव होता है, सिक्स जब थर्टी सिक्स। हम क्या बोले थे कि इससे छोटा जो रहेगा उसको वो वैल्यू लेंगे, तो किसका लेंगे फाइव का लेंगे, तो फाइव लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी फाइव लिख देते हैं। अब देखते हैं आंसर किसका है, इसमें जीरो है ऑनली फोर आई है, तो आंसर आपका ठीक से कि आपका यही होगा, जीरो जीरो आंसर होता नहीं है, होता भी है आंसर जीरो, तो इसमें जीरो फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि आपका 55 आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। एक और देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका है कि एक क्वेश्चन आपका है कि देख जैसे कि और आप लोग का क्वेश्चन दे देते हैं या फिर इसको भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यार जो रहेगा वन है रूट अंडर अगर रहेगा कि 169, तो आप इसको हम क्या बोले थे पेयर कर रहे थे, पेयर लगा इधर नहीं होगा, तो इधर जीरो लगा लीजिए, पेयर लगा लीजिए। ये किसका है, नाइन किस में आ रहा है, नाइन टेबल में देख लीजिए किस में नाइन आ रहा है, इसको नाइन में किसी में, तो सिर्फ फोर में आ रहा है सेवन में आ रहा है, तो आप यहाँ सेवन लिख लीजिए सेवन, और किसी में नहीं आ रहा है, और किसका नियरेस्ट है वन, तो आप देख सकते हैं कि वन का नियरेस्ट है, तो वन यहाँ लिखना है, और बस यहाँ भी वन टाइप कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये थ्री का था, थ्री लिखना है, मिस्टेक से नाइन लिखा गया था, नाइन किसका में थ्री में आ रहा है, और किस में आ रहा है कि सेवन में आ रहा है, सेवन में आ रहा है। अब इसमें वन वन बैठाएंगे आंसर किसका आएगा लास्ट,
नियरेस्ट किसका है तो वन का तरफ का ये हो जाएगा, 133 हो जाएगा। ये था दोस्तों आज अपना, यही लास्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट आप लोग लाएंगे। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।